नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और पिछले 4 सालों में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे जो सेंट्रल टैक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। हमें अभी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से, तो हमारी बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो खत्म हो जाता है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के चक्कर में। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है और आम आदमियों पर इसका बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने के लिए कुछ खास एफर्ट्स लगाए नहीं हैं। अगर देखो, पेट्रोल की इथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग होती है तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर इथेनॉल की पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है तो कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर के देशों से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम खत्म होगा और हमारी डिपेंडेंसी जो है क्रूड ऑयल पे वो कम होगी। दूसरा, अगर पेट्रोल के इथेनॉल के साथ ब्लेंडिंग होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो कम होता है, क्योंकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग होने पर जो पेट्रोल है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इस वजह से हार्मफुल गैसेस का एमिशन कम होता है, तो ये कंपैरेटिवली क्लीन फ्यूल है। किसानों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर पेट्रोल की इथेनॉल से ब्लेंडिंग होती है तो, क्योंकि देखो इथेनॉल को कई तरह के सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, अदरवाइज आर्टिकल समझना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो, इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है काफ़ी सोर्सेज से। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल सुगर, वीट, यहाँ पे बार्ले, स्वीट सोरगम, इन सब चीज़ों से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता था। उसके बाद आई सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ये पता लगा कि वुड यानी लकड़ी से, ग्रास से और स्ट्रास से भी बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में ये पता लगा कि एल्गी से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। इसके बाद हालांकि चौथी जनरेशन भी आ चुकी है। चौथी जनरेशन में अब यह पता लग चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह इकट्ठा करके स्टोर करके वहां से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। तो देखो, अभी तक की डिस्कशन से एक बात तो साफ है, अगर पेट्रोल को मिक्स किया जाता है इथेनॉल से, इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ, तो इसके काफी सारे फायदे हैं। इसी वजह से 2003 में सरकार एक प्रोग्राम लेके आई थी, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर सरकार ने यह कहा था कि जो भी पेट्रोल बिके उस पेट्रोल में 5% इथेनॉल जरूर होना चाहिए और वो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है मोलासिस की सहायता से। मोलासिस मतलब फर्स्ट जनरेशन, सुगर केन, कॉर्न्स, वीट, इन सब चीजों की सहायता से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा और उस इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा पेट्रोल के साथ। और रेशो इस प्रकार से होगी, 95% पेट्रोल और 5% इथेनॉल। 2008 में सरकार ने टारगेट को इंक्रीज कर दिया। सरकार ने कहा 2008 में कि 10% इथेनॉल होगा और 90% पेट्रोल होगा। उसके बाद 2009 में नेशनल बायोडीजल मिशन में सरकार ने टू फेस स्ट्रेटजी पे फोकस किया। सरकार ने कहा कि जत्रोपा सीड्स की सहायता से बायोडीजल को प्रोड्यूस किया जाएगा और ब्लेंडिंग टारगेट को 10% के ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव किया जाएगा 2012 से पहले। अभी इस टारगेट को अचीव भी नहीं किया गया था, फिर भी 2009 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोडीजल आई उसमें यह प्रपोज किया गया कि 20% ब्लेंडिंग टारगेट को अचीव किया जाएगा 2017 से पहले। मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, इस टारगेट को अचीव किया जाएगा 2017 से पहले। इसको भी अभी तक अचीव यानी रियलाइज नहीं किया गया है। अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सरकार बड़े बड़े टारगेट्स तो रख रही है लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उड़ीसा में 0% ब्लेंडिंग रेट है अभी तक। सोच के देखिए, 2003 में सरकार का यह टारगेट था कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल होना ही चाहिए, लेकिन अभी तक उड़ीसा में 0% ब्लेंडिंग रेट है। बोलो क्या एक्सप्लेनेशन दोगे इसका? उसके बाद देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्लेंडिंग रेट है 85%, यानी 15% पेट्रोल और 85% इथेनॉल।
और ब्राजील में तो कई कई जगह पे 100% इथेनॉल का यूज किया जा रहा है और मैंडेटरी है कि 27% इथेनॉल का तो यूज होना ही चाहिए पेट्रोल में। लेकिन इंडिया में ग्राउंड लेवल पे कुछ खास नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओवर एम्बिशियस टारगेट्स रखे जा रहे हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आगे आर्टिकल में बोला जाता है कि एवरेज ब्लेंडिंग रेट इंडिया में इथेनॉल की है 2% से लेकर 4% के बीच, यानी ओरिजिनल टारगेट 5% से बहुत दूर, और कई जगह पे तो ये जीरो है, उड़ीसा हमने डिस्कस किया। काफी सारे फायदे हो सकते थे अगर नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2003 को इंप्लीमेंट किया जाता। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन कम हो जाता, ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हो जाता, क्लीन और सस्टेबल फ्यूल्स को प्रमोट किया जा सकता था, हम एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकते थे, और फ्यूल क्रूड ऑयल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, उस डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में सरकार अब एक नई बायो पॉलिसी लेके आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। हमने डिस्कस किया पहले जो भी पॉलिसीज आई थी बायोफ्यूल से संबंधित, उनको तो इंप्लीमेंट किया नहीं गया, लेकिन सरकार एक नई बायोफ्यूल्स की पॉलिसी लेके आई है, और इस पॉलिसी में भी फ्यूचर रोडमैप है उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। देखो, सिचुएशन काफी ग्रेव है। WHO ने ऑलरेडी बोला है कि हमारे देश की जो 14 सिटीज हैं वो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से हैं, लेकिन इस बायोफ्यूल पॉलिसी में भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली कमी तो देखो ये है, इस बायोफ्यूल पॉलिसी में फोकस किया गया है कि सेकेंड जनरेशन में जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की सहायता से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए। सेकेंड जनरेशन में कौन से सोर्सेज की सहायता से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता था, याद कीजिए, स्ट्रा, वुड, ये सब चीजें। राइटर ये कहते हैं कि देखो, अभी सेकेंड जनरेशन से इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अनटेस्टेड है, यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अच्छे से सेकेंड जनरेशन के सोर्सेज से इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं किया गया है। तो अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी पे सरकार इतना सारा पैसा खर्च करना चाहती है, क्योंकि देखो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में सरकार ने यह भी कहा है कि 10,000 करोड़ की लागत से 12 सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाली बायो रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की जाएंगी 11 स्टेट्स में, और इसके लिए सरकार पैसा भी देगी वायबल गैप फंडिंग की सहायता से। तो इतना सारा पैसा सरकार खर्च करने को तैयार है उस टेक्नोलॉजी पे जिसको अभी तक टेस्ट ही नहीं किया गया है। तो राइटर के अनुसार कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे सरकार क्यों फोकस कर रही है, क्यों ना फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल पे सरकार फोकस करे अगर इतना सारा पैसा खर्च करना चाहती है तो, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल सुगर केन और कॉर्न, वीट, इन सोर्सेज से इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को अच्छे से टेस्ट कर लिया गया है, तो इस टेक्नोलॉजी पे सरकार को फोकस करना चाहिए। हालांकि देखो, आर्टिकल में नहीं गिवन, सरकार के भी अपने जेन्युइन कंसर्न्स हैं, क्योंकि अगर वीट, सुगर केन, कॉर्न्स, इनसे अगर इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमारी जो फूड सफिशिएंसी है, फूड सिक्योरिटी है, वो खतरे में आ जाएगी। इसीलिए सरकार सेकेंड जनरेशन इथेनॉल पे फोकस करना चाहती है, ना कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल पे। उसके बाद राइटर के द्वारा पॉइंट दिया जाता है ऑक्टेन नंबर का। देखो, फ्यूल में ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, फ्यूल उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। अभी हमारे देश में फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए एरोमेटिक्स BTX इंपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों से, लेकिन जिस एरोमेटिक्स BTX को इंपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों से और हमारे देश में फ्यूल में ऐड किया जाता है ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए, उससे कैंसर भी हो सकता है, तो हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार ऑक्टेन नंबर पे साइलेंट है। तीसरा जो पॉइंट राइटर के द्वारा दिया जाता है वो ये है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में ये कहा गया कि इथेनॉल को इंसेंटिवाइज करेगी सरकार, यानी इथेनॉल को प्रोड्यूस करने पे ज्यादा दाम मिले ये सरकार इंश्योर करेगी। राइटर के द्वारा कहा जाता है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है। 2009 की बायोफ्यूल पॉलिसी में भी ऐसा बोला गया था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और सरकार नई बायोफ्यूल पॉलिसी में एक बार फिर से बोल रही है कि इथेनॉल को हम इंसेंटिवाइज करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना इस पॉइंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा वो देखने लायक होगा। चौथा पॉइंट जो राइटर के द्वारा दिया जाता है वो ये है कि जिन कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है 11 स्टेट्स में सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज इस्टेब्लिश करने के लिए, ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया को नहीं अपनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, 6 MOUs साइन हुए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, 6 में से 3 जो MOUs हैं वो तो प्रज इंडस्ट्रीज के साथ साइन हुए हैं, लेकिन क्या प्रोसेस सरकार ने अपनाई, क्या क्राइटेरिया था, उस बात पे क्लैरिटी नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। आगे वे फॉरवर्ड में बोला जाता है
कि देखो इथेनॉल के दाम 3 रुपए बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पे जो इतना सारा टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है उस टैक्स को रोल आउट करना होगा सरकार के द्वारा, और इथेनॉल प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए सरकार को एक क्लियर थिंकिंग डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी। यानी देखो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इनफ स्टेप्स सरकार को उठाने होंगे। और जब तक देखो हमारे देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं हो जाता, सफिशियंट इथेनॉल की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए इथेनॉल को बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जा सकता है। मतलब देखो जैसे सरकार का टारगेट है कि 10% इथेनॉल होना चाहिए, 90% पेट्रोल के साथ मिक्स करना जरूरी है, यानी 90-10 का रेशो होना चाहिए। अगर हमारे देश में इनफ इथेनॉल अवेलेबल नहीं है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, 90-10 रेशो को मेंटेन करने के लिए, तो बाहर से इथेनॉल को इंपोर्ट किया जाए, कम से कम इस पॉलिसी को तो ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। इसी बीच हमारे देश में भी हो सकता है कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए और बाद में बाहर के देशों से इथेनॉल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे सिग्नल ये जाएगा कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार सीरियस है और इसके लिए बाहर के देशों से भी इथेनॉल को इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के बारे में। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, व्हाट आर वेरियस जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स, उसके बाद आल्सो क्रिटिकली कमेंट ऑन द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे देखो आप जब आंसर्स लिखते हो तो सिर्फ आप जो कुछ हम डिस्कस करते हैं उसी पे अपने आंसर्स को मत लिखिए, अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन भी कीजिए और हमारी जो पुरानी डिस्कशंस हैं वहां से भी पॉइंट ऐड करने की कोशिश कीजिए आंसर्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।